हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सिलेक्ट आईएएस। फ्रेंड्स, टॉपिक्स इन न्यूज़ की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं जीईएसी जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी के बारे में, पिंक बोलवर्म के बारे में और क्राई 2AI के बारे में। तो ये टर्म आपका न्यूज़ में बना हुआ है और अक्सर ऐसी टर्म से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ये टर्म क्या है, किस चीज़ के लिए इनका यूज़ किया जा रहा है। और जीईएसी जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी चर्चा में क्यों बनी हुई है, न्यूज़ में क्यों बनी हुई है और ये क्या होती है, तो आज की इस क्लास में हम सभी डायमेंशंस को कवर करने वाले हैं जो भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। तो फ्रेंड्स, क्लास को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए देखते हैं जीईएसी के बारे में। जीईएसी की फुल फॉर्म होती है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी। तो ये न्यूज में क्यों बनी हुई है? तो फ्रेंड्स, जीईएसी न्यूज में इसलिए बनी हुई है क्योंकि अभी हाल ही में क्राई 2AI कॉटन सीड को प्रिलिमिनरी और कन्फाइंड ट्रायल बेसिस पर पास कर दिया गया है और उसके बाद जीईएसी ने रिकमेंड किया है इसकी कंपनीज को कि आप तेलंगाना, महाराष्ट्र, गुजरात और हरियाणा में फार्मर्स की फील्ड में जाकर इस सीड को टेस्ट कीजिए। बेसिकली क्राई 2AI कॉटन सीड क्या है, सबसे पहले आप इस चीज को समझिए। तो कॉटन सीड, कॉटन का जो बीज होते हैं उसको, ये जेनेटिकली मॉडिफाइड है। जेनेटिकली मॉडिफाइड या जीएम का क्या मतलब होता है? जीएम का मतलब होता है जब आप किसी पौधे, जानवर या मनुष्य के जीन में टेक्नोलॉजी की मदद से परिवर्तन करते हैं तो वो जेनेटिकली मॉडिफाइड कहलाता है। तो इसी प्रकार से जो कॉटन होता है हमारा, इसके जो बीज होते हैं उनमें परिवर्तन किया गया है और क्राई 2AI ये एक प्रकार का जीन है, ठीक है। क्राई 2AI ये एक प्रकार का विशिष्ट जीन है, इसको कॉटन के बीजों में डाला गया है क्योंकि यह जीन क्राई 2AI उस कीट का प्रतिरोध करता है जो कॉटन की फसलों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो ये आपका एक प्रकार का जीन है, इसीलिए आपका जीईएसी न्यूज में बना हुआ है। तो जीईएसी ने इन कंपनीज को जिन्होंने क्राई 2AI कॉटन सीड को डेवलप किया है, एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट में आता है, स्टेट का सब्जेक्ट होता है, आपको पता होगा, जो हमारा संविधान में 7वीं अनुसूची है, 7th शेड्यूल है, इसमें केंद्र व राज्य के मध्य शक्ति का बंटवारा किया गया है और उसके लिए तीन प्रकार की लिस्ट है आपके 7th शेड्यूल में। एक होती है आपकी सेंट्रल लिस्ट, एक होती है आपकी स्टेट लिस्ट और एक होती है आपकी कॉन्करेंट लिस्ट। तो सेंट्रल लिस्ट पर कानून बनाने का अधिकार आपका केंद्र सरकार को होता है, स्टेट लिस्ट पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को होता है और कॉन्करेंट लिस्ट पर कानून बनाने का अधिकार राज्य व केंद्र सरकार दोनों को होता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि एग्रीकल्चर एक स्टेट सब्जेक्ट है, इट मीन्स कि ये स्टेट लिस्ट में आता है और स्टेट लिस्ट पर कानून बनाने का अधिकार, मान्यता देने का अधिकार सिर्फ राज्य सरकार को होता है। देखिए, एग्रीकल्चर बीइंग अ स्टेट सब्जेक्ट मीन्स दैट इन मोस्ट केसेस कंपनीज इंटरेस्टेड इन टेस्टिंग देयर सीड्स नीड अप्रूवल फ्रॉम द स्टेट्स फॉर कंडक्टिंग सच टेस्ट। तो फ्रेंड्स, क्योंकि एग्रीकल्चर स्टेट लिस्ट में आता है, इसीलिए जो भी कंपनी इन सीड्स को, इन बीजों को टेस्ट करना चाहती है, टेस्ट करने में इंटरेस्टेड है, उनको राज्य सरकारों का अप्रूवल लेना होगा इस प्रकार के टेस्ट को कंडक्ट करने के लिए। तो आपने देखा कि जीईएसी ने इन कंपनीज को 3-4 राज्यों में कहा था कि आप इनकी फार्मर की फील्ड में जाकर इनका टेस्ट कीजिए। तो लेकिन देखिए, ओनली हरियाणा गेहूं परमिशन, सिर्फ उनमें से हरियाणा राज्य ने ही इन कंपनीज को परमिशन दिया है इस प्रकार के टेस्ट को कंडक्ट करने के लिए, फॉर सच टेस्ट। बट गुजरात, महाराष्ट्र एंड तेलंगाना रिजेक्टेड दिस प्रपोजल। लेकिन गुजरात, महाराष्ट्र और तेलंगाना ने इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया है, मना कर दिया है। अभी समझते हैं दो टर्म को। एक टर्म है आपके सामने क्राई 2AI एंड पिंक बोलवर्म। तो क्राई 2AI क्या है ये मैंने अभी आपको बताया भी था और पिंक बोलवर्म क्या है। तो सबसे पहले जानते हैं क्राई 2AI। क्राई 2AI कपास के इस ट्रांसजेनिक बीज में क्राई 2AI एक प्रकार का जीन है। तो कपास का जो ये जेनेटिकली मॉडिफाइड बीज का निर्माण किया गया है, इसमें क्राई 2AI एक प्रकार का जीन है, एक विशिष्ट जीन है। क्राई 2AI जीन पिंक बोलवर्म के लिए प्रतिरोधी होता है। पिंक बोलवर्म क्या होता है, सबसे पहले इस चीज को समझिए। पिंक बोलवर्म कपास की फसल को खराब करने वाला एक प्रमुख कीट है। अभी आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। इसीलिए जो कॉटन के सीड है उसमें क्राई 2AI जीन को डाला गया है क्योंकि क्राई 2AI जीन ये पिंक बोलवर्म कीट के लिए प्रतिरोधी होता है, इसका नाश कर देता है और कपास की फसल को खराब होने से बचाता है।
चलिए आगे देखते हैं, आपको यहाँ पर समझना है ट्रांसजेनिक क्रॉप के बारे में। व्हाट इज ट्रांसजेनिक क्रॉप? देखिए, ट्रांसजेनिक फसलें ऐसे पौधे होते हैं जिन्हें जेनेटिक इंजीनियरिंग तकनीकों के माध्यम से संशोधित किया जाता है। सिंपली आप समझ सकते हैं, ट्रांसजेनिक क्रॉप वे होते हैं जिनके जीन को मॉडिफाइड किया जाता है। ये जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप ही होती हैं, इनके जीन में परिवर्तन कर दिया जाता है। इन फसलों के डीएनए में विशिष्ट जीन डाले जाते हैं। कपास एकमात्र ऐसी ट्रांसजेनिक फसल है जिसकी भारत में व्यावसायिक रूप से खेती की जा रही है। तो कपास एकमात्र फसल है जिसकी भारत में व्यावसायिक रूप से कमर्शियली खेती की जा रही है, ये आपको याद रखना है। और अभी हाल ही में GEAC ने GM मस्टर्ड, जिसका नाम है DMH11, तो आपको इसको भी याद रखना है। DMH11 क्या है? ये GM मस्टर्ड है, जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड है, सरसों है, ठीक है, सरसों के जो बीज होते हैं। इनके पर्यावरणीय रिलीज को भी मंजूरी दे दी गई है, अभी एनवायरमेंट मिनिस्ट्री के पास इसको भेजा गया है, वहां से इसको अप्रूवल मिलेगा। इसके बाद जल्द ही भारत में जीएम मस्टर्ड, जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड की व्यावसायिक रूप से खेती शुरू हो जाएगी। GEAC जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी के बारे में कि आखिर ये किस प्रकार की कमेटी है। इट इज ए स्टैचुअरी बॉडी कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। तो आपको सिंपली याद रखना है, यहाँ पर GEAC एक प्रकार की स्टैचुअरी बॉडी है जिसको एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंडर बनाया गया है। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, इट फंक्शन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एज पर रूल्स 1989, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अप्रेजल ऑफ एक्टिविटीज इन्वॉल्विंग लार्ज स्केल यूज ऑफ हैजार्डियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड रिकॉम्बिनेंट्स इन रिसर्च। तो 1989 के रूल्स के अकॉर्डिंग GEAC कमेटी ही रिस्पॉन्सिबल है अप्रूवल देने के लिए जब हम लार्ज स्केल पर हैजार्डियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म और रिकॉम्बिनेंट्स का रिसर्च में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में यूज करते हैं। तो यही ये कमेटी ही इस चीज को देखने का प्रयास करती है कि एनवायरमेंट के पर्सपेक्टिव से ये सही है या नहीं है। तो इस चीज का अप्रेजल भी GEAC के द्वारा ही दिया जाता है। द कमेटी हैज द पावर टू टेक पेनिटिव एक्शन अगेंस्ट पीपल और बॉडी अंडर द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। अगर कोई पीपल या कोई इंस्टीट्यूशन, कोई बॉडी एनवायरमेंट को क्षति पहुंचाती है अपने काम से, तो यह कमेटी उसको पनिशमेंट भी दे सकती है। इसकी पावर भी इस कमेटी के पास है। द अप्रूवल ऑफ द GEAC इज मैंडेटरी, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिफोर जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म एंड प्रोडक्ट्स ड्राइव्ड फ्रॉम देम कैन बी यूज्ड कमर्शियली। तो फ्रेंड्स, कोई भी ऑर्गेनिज्म और प्रोडक्ट्स को जब आप बनाते हैं जो जेनेटिकली मॉडिफाइड होता है, उसका कमर्शियल यूज करने से पहले GEAC कमेटी की अप्रूवल लेना मैंडेटरी होता है, अनिवार्य होता है। द GEAC चेयरमैन इज स्पेशल सेक्रेटरी और एडिशनल सेक्रेटरी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। तो GEAC के चेयरमैन जो होते हैं वो या तो स्पेशल सेक्रेटरी होते हैं या एडिशनल सेक्रेटरी होते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज से। वाइल द को चेयरमैन इज द डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी रिप्रेजेंटेटिव, और जो को चेयरमैन होते हैं वो बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। तो इन चीजों को आपको यहाँ पर याद रखना है। देखिए, इस कमेटी के अंदर देयर आर मेनी अदर मेंबर्स इंक्लूडिंग एक्सपर्ट्स। इस कमेटी में काफी सारे एक्सपर्ट्स लोग जो हैं और अदर मिनिस्ट्रीज के जो एक्सपर्ट्स हैं इस कमेटी के अंदर वो लोग शामिल होते हैं। जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस हैं यहाँ पर, ICAR, ICMR, CCMB, इनके एक्सपर्ट्स जो होते हैं वो इस कमेटी में शामिल होते हैं। Presently, it has 24 members and meets every month to review the application in the areas indicated above. तो presently, इस committee के अंदर 24 members हैं और हर महीने, every month, ये जो भी applications इसके पास आती हैं, उसको review करने के लिए अपनी meeting करती है, आपस में मिलती हैं, जो भी इसके सामने applications आती हैं, उनकी जांच करती है, यह committee। तो friends, GEAC, Genetic Engineering Appraisal Committee के बारे में आपको इन सभी facts को, इन सभी चीजों को जानना जरूरी था, जिनको हमने आज की क्लास में डिस्कस किया है। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि इसी प्रकार की इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिलती रहे। थैंक यू।